किस्मत वाले हैं इनको इस उम्र में ये सब देखने को मिला। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 1998 में जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों के ऊपर गोलियां चली, आज उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है जो आज रंग लाई है और ईश्वर ने उनका वो मेहनत का फल, जिस तरीके से बोलते हैं कि मेहनत का जो फल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उनकी कुर्बानी आज रंग लाई है ना। तो देखो कितने लोग हैं श्री राम कह के
इतना उद्घोष करते हैं और सब खुश हैं, सब खुश है, सबके चेहरे पे खुशी है आज। अच्छा, जिस तरीके से आज आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आप अपने घरों में मंदिरों के आसपास आप लोग एंजॉय करिए, तो सेम उसी तरह आप लोग यहाँ पे आज मग्न मैं थी एकदम पूरे डांस में। बिल्कुल बिल्कुल, आज घर में भी दीपक जलाएंगे, सब जने जलाएंगे। हाँ। और सबने अच्छी तरह से घर पे अपने वो लगाए हैं, झंडे लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं, और अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के देखना भी बहुत अच्छा। जिस तरीके से आज अयोध्या में प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया गया, उनका पूजन किया गया, उसको लेके आपकी भावनाएं क्या है? प्रधानमंत्री मोदी आए हैं इसी वजह से ये हुआ है, कितने सालों से ये पड़ा हुआ था, मतलब मोदी ने इतने इतने काम किया, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब इस चीज के लिए कभी उन्हें भूला नहीं जाएगा। ये जो काम किया रामलला को लाके, मतलब ये कोई काम आज तक कोई भी मतलब नहीं कर पाया, जिन्होंने ये काम किया है बहुत ही अच्छा करा है। जिन्होंने प्रधानमंत्री आज 11 दिन से जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का लिया था तब से वो जमीन पे सोते थे और बस दो बार नारियल का पानी पीते थे। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सिर्फ नारियल पानी लिया है 11 दिन से, मतलब कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं हमारी दुनिया, मतलब कि भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ। लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो क्या लग रहा है कि यस मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी हो रहा है तभी ये सब कुछ हो रहा है, वरना तो नहीं लगता कोई कुछ कर भी कर पाता, सब अपने भ्रष्टाचार में ये सब लगे रहते हैं, वो सब काम करवा रहे हैं, जो जो है सब काम करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनातनियों के लिए कितना बड़ा दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है, मतलब ये बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि बहुत सालों से 500 सालों से हमारे लिए नहीं हो पाया जो आज करा गया ये सब। मंदिर में भी उसी तरह का भाव था जो अयोध्या में था और पूरे दुनिया में था। आज सनातनियों को अगर देखना होगा आज दुनिया में, तो इस तरह का शायद पहली घटना होगी पूरे पूरे भारत के इतिहास में कि इस तरह से सनातनियों में जो जोश दिखा गया, जो राम के प्रति प्यार दिखा गया, जो उमंग दिखा गया, वो आज दिखा गया। देखिए पूजा समाप्ति के बाद लोग कितने प्यार से, छोटे हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सब लोग इस भंडारा में शामिल हैं, और ये भंडारा यहाँ पे बैंक इनक्लेव कॉलोनी में, दिल्ली के बैंक इनक्लेव कॉलोनी में यहाँ भंडारा चल रहा है और लोग अपना प्रसाद भोग का प्रदान प्राप्त कर रहे हैं। Okay. आज राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जैसे मैं आपको पता है कि पूरे देश में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, आप बताइए कैसा लगा आपको और आप क्या कहना चाहेंगी राम जी के बारे में, कुछ बताएंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये जो हमारे मंदिर में प्रोग्राम हुआ, इतनी हमें उम्मीद नहीं थी, इतने काफ़ी लोग जुड़ गए यहाँ से। अभी हम इसी महीने अयोध्या जी के दर्शन करके आए हैं 3 जनवरी को, और यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होने के बाद मुझे लगा नहीं कि हमने कुछ मिस किया, हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आया। आज हमने सुंदरकांड का पाठ किया जो बहुत संगीतमय रहा, बहुत अच्छा रहा, हमने सबने बहुत मज़ा किया। वाह, आज आपको लगा कि अयोध्या अगर नहीं भी गए हैं तो कोई तो कमी नहीं रही, कमी नहीं रही है, हमने आज बहुत। आप बताइए कैसा लगा आपको और आपने क्या किया दिन भर आज राम जी के बारे में, कुछ बताएं आप और क्या क्या आपने किया उनके बारे में? आप बताइए राम जी के बारे में कुछ बताइए, सुबह से शाम तक क्या किया आप लोगों ने? शाम तक पहले तो हमने वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट देखा, जो प्रोग्राम चल रहा था उसे महसूस किया और हमें बहुत अच्छा लगा, मोदी जी कैसे कर रहे थे, स्थापना कर रहे थे, और इवनिंग में भी जो कार्यक्रम था, आप 1.25 लाख दीपों से अयोध्या सजाया जा रहा है, जैसे कि दीपावली से भी बढ़कर हर्षोल्लास और उत्साह है सब में, तो सबके घर में दीपक जले हुए, झंडे लगे हुए हैं, तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी सच में हमारे पास आ गए हैं। आ गए हैं, ऐसा लगा वो कुछ कुछ महसूस हुआ? हाँ, बताइए आपको कैसा लगा आज, आपने क्या किया राम जी को लेकर, क्या आपने किया थे आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक? बहुत बढ़िया लगा, और क्या कहते हैं, हमने तो खूब मजे लिए थे यहाँ पर, आगे डांस किया था और सुंदरकांड का पाठ भी किया था, तो सुबह से लेकर व्रत भी रखा था, और क्या कहते हैं मेरी बुआ ने भी व्रत रखा था कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ही खाना खाएंगे, पर मैं इतना भी रुक पाया, मैंने तो खैर खा लिया था, उससे क्या मतलब है, श्रद्धा होनी चाहिए, मेन बात तो ये है। बिल्कुल हाँ, तो कईयों ने क्या कहते हैं सोमवार का भी व्रत था, तो आज जो है विशेष दिन था, शिव जी का भी था एक हिसाब से, और क्या कहते हैं राम जी का भी, राम जी का 500 वर्ष का वनवास खत्म हुआ और शिव जी की क्या कहते हैं आज आराधना हुई, तो दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पड़ा भी शुभ दिन के दिन, तो इतना ही था सुबह से लेके, आप दिए जलाए हैं, अब शाम को क्या कहते हैं एक बार घर में भी जलाने हैं थोड़े बहुत, और फिर क्या कहते हैं सो जाने। दोनों का नाम क्या है? आपका किस क्लास में है? वेरी गुड, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग दियो से राम जी लिख रहे हैं और तो दिया आपने लिखा है राम? हाँ। कौन बनाया है, किसने बनाया कि आपने बनाया? हम दोनों ने बनाया। दोनों मिलकर बनाया, तो आपने क्या लिखा है? मैं ला रहा था विभूत बना, ये बनाया जा रहा था, और एक
और एक को मैं लगाया जा रहा है। अजी राम कौन है, किसका नाम है? विष्णु जी के अवतार, एक अवतार का नाम। आप बताइए राम। राम जी भगवान, राम जी भगवान है ना? है? हाँ बिल्कुल। तो आपको कौन, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको राम लिखना है, दिया जलाना है? किसने कहा आपको ये प्रेरणा? हमारे मम्मा पापा से मिली। मम्मा पापा, तो आपने पूजा किया सुबह में? और कैसे पूजा किया इसके अलावा, क्या किया दिन में आपने? अभी सबको खाना बांटा आपने, भंडारा आपने सब अपने हाथों से, और क्या किया? काम रह गया था। मम्मी पापा की बात मानते हैं आप? राम जी का पूजा में और कुछ क्या करें, घर में कुछ किया आपने? भजन लगाए थे क्या? भजन कर क्या जो भी याद है, याद है आपको? राम भजन कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दिया जला के कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? तो सीताराम सीताराम को करते हैं, जैसे राम करते हैं पापा को, जैसे राम भी करते हैं। वेरी गुड। अब देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी राम की भक्ति में किस तरह से डूबे हुए हैं, आपको अंदाजा लगा लग जाएगा इन बच्चों से मिलने के बाद, इन बच्चों के राम के प्रति जो इनका प्यार है, इनके जो समर्पण है, जो भाव है, इन दियों में बढ़ता है। और यही है सनातन, और यही है सनातनी के बच्चे जो हिंदुस्तान में पल रहे हैं, फूल रहे हैं। और आज भविष्य अगर ऐसा हुआ तो भारत सचमुच देश नहीं दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री होगा, क्योंकि सनातनियों को एकजुट करने में जो प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका रही है वो अस्मरणीय हो। किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया आजादी के बाद नहीं, ये 500 वर्षों के बाद एक बहुत बड़ी घटना है कि सनातन और सनातनी आज जाग उठे हैं। आज लगभग हजारों नहीं करोड़ों में आज लोग दिया जला रहे हैं, हर घर में दिया जल रहा है, पूजा कर रहे हैं, मंदिरों की साफ सफाई कर रहे हैं, मंदिरों को देखते हैं कि दिया किस तरह से पूरे देश में मनाया जा रहा है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था और न सुना था जो मैंने आज देखा। मैं विनोद बाबू, एन ए बैंक क्लेब। आप कुछ बोलिए मैडम से लेने का।